चैनल कैसे हो आप लोग सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप सभी को थैंक यू इतना ज्यादा सपोर्ट देने के लिए मेरे 75 फाइव चैलेंज को आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया सो बिग थैंक यू बिग थैंक यू एंड काफी सारे नए लोग जुड़े हैं मेरे चैनल पर इस 75 फाइव चैलेंज के जरिए उन सभी को आई वेलकम यू ऑल एंड थैंक यू सो मच कि आपने सब्सक्राइब किया मेरा चैनल एंड आप लोगों ने भरोसा रखा है इस चैनल पर एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद न्यू चैलेंज यू हर्ड राइट आई एम स्टार्टिंग विद न्यू चैलेंज बिकॉज जो 75 फाइव हार्ट चैलेंज था उसमें एक टारगेट तो कंप्लीट हुआ बट दूसरा जो टारगेट था वो अभी अधूरा है लाइक बेली फैट यस सो बेली फैट मुझे रिड्यूस करना था पिछले 75 फाइव हार्ट चैलेंज में भी और uh, ओवरऑल मेरा जो मेन मकसद था 75 हार्ट चैलेंज स्टार्ट करने का वो वेट लॉस के साथ साथ बेली फैट चैलेंज था तो बेली फैट रिड्यूस नहीं हुआ है उतना जितना मुझे चाहिए सो so, मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूं अपना ये चैलेंज थर्टी डेज का बेली फैट चैलेंज सो so, मैं चाहूंगी कि आप फिर से मेरे साथ इस जर्नी में जुड़िए इस 30 डेज के चैलेंज को मैं स्टार्ट कर रही हूँ ट्वेंटी ऑफ नवम्बर से सो ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ नवम्बर से काफी सारी नई रूटीन होगी मेरे खुद के लिए नई रूटीन होगी बिकॉज मैं इस चैलेंज को इसलिए भी ले रही हूँ कि मैं अपने लाइफ में काफी चीजें इनकॉर्पोरेट करना चाहती हूँ चेंज करना चाहती हूँ कुछ नई रूटीन लाना चाहती हूँ ओवरऑल मेरे वेलबींग well के लिए मेरे हेल्थ के लिए मेरे मेंटल हेल्थ के लिए मेरी बेली फैट के लिए तो मैं चाहती थी कि मुझे कुछ तो मिले जिसके वजह से मैं अपने रूटीन में ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करूं तो मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन था यूट्यूब तो मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब के जरिए मैं काफी सारे लोगों से जुड़ू काफी सारे लोग मुझे देखकर हो सकता है स्टार्ट कर दे अपना वर्कआउट अपनी एक्सरसाइज क्योंकि इस 75 डेज में मैंने एक चीज देखी कि दो से तीन लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे जो मेरे साथ एक्सरसाइज करते थे सो आई थॉट शायद इस चैलेंज के जरिए भी काफी सारे लोग मोटिवेट होंगे काफी सारे लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो एक्सरसाइज है वर्कआउट है डाइट है तो हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए तो ये सारी चीजें सोचकर मैंने ये थर्टी डेज का चैलेंज लिया है और मुझे बेलीफेट कम करना ही है एनी हाउ इसका दो रीजन है जो एक रीजन में ऑलरेडी मेरे सेवेंटी फाइव हार्ट चैलेंज में बता चुकी हूं फर्स्ट डे में इन केस आपने नहीं देखा है तो जरूर से चेक कीजिए दूसरा रीजन मैं आपको यहाँ बताती हूँ वो है मेरा नया चैनल यस yes, मेरा ये जो नया चैनल है द लाइफ स्टाइल चेक इसमें मैं सारे फैशन रिलेटेड स्टफ शेयर करती हूँ तो जो भी मैं पहनती हूँ उसमें बेली फैट बीच में आता है तो इट डजेंट लुक गुड जो मुझे पहनना है उसके लिए बेली फैट कम होना जरूरी है और आई वॉन्ट यू ऑल टू सपोर्ट मी ऑन दैट चैनल डू सब्सक्राइब गाइज पसंद आया तो सब्सक्राइब करना कोई फोर्स नहीं है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और चैनल का नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो इससे देखिए दो चीज हो रही है एक आपका आप अपने चैनल के लिए काम कर रहे हो दूसरा आप जो भी पहनना चाहते हो फैशन जो भी करना चाहते हो आपका अगर बेली फैट कम होता है तो आप वो कर सकते हो तीसरा आपका जो हेल्दी लाइफ है वो डेवलप होगा लाइक like, आप वर्कआउट करोगे प्रॉपर डाइट लोगे प्रॉपर एक्सरसाइज करोगे तो इससे ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी सो so, ये सारे रीजन हैं जिससे मैंने सोचा क्यों ना लेट्स बिगिन विथ न्यू चैलेंज एंड नाउ दिस चैलेंज इज गोइंग टू बी फॉर थर्टी डेज एंड ये थर्टी डेज में ये पांच चीजें हम करेंगे लेट्स बिगिन विथ टू वीडियो सो गाइज बिफोर मूविंग ऑन टू दैट वीडियो

मस्ट हैव है तो यहां पर मैं आपको कुछ लिपस्टिक कलेक्शन दिखाती हूँ कुछ लिपस्टिक स्वाचेस दिखाती हूँ इनकेस आपको इनमें से कोई भी लिपस्टिक पसंद आती है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जरूर चेकआउट कीजिए एंड आप वहां से परचेज कर सकते हैं काफी अच्छी डील है अच्छे प्राइजेस है आप जरूर ग्रैप कीजिए इस डील को सो लेट्स मूव ऑन टू स्वाचेस मैं आपको लिपस्टिक पहले दिखाती हूँ सो दिस थ्री लिपस्टिक्स आई परचेज एंड दिस लिपस्टिक्स इज वन ऑफ माई फेवरेट इन बोल्ड कलर्स सो so यस yes, uh, इसमें आपको सारे ब्राइट कलर्स भी मिल जाएंगे न्यूट कलर भी मिल जाएंगे एंड इसके साथ ही मैंने लिया है ये आई सीरम दिस इज फ्रॉम ब्रांड लॉरियाल रिवाइट लिफ्ट आई सीरम है ये ये नाइट में आपको अप्लाई करना है अपने आईज पर एंड देन सो जाना है दैट्स इट मॉर्निंग में आपकी आईज पफी नहीं होगी बिल्कुल भी जरा भी स्वेलिंग नहीं होगा आपके आईज में एंड एकदम बेस्ट ब्राइट फेस आपका दिखेगा सो येस गो फॉर दिस सीरम बिकॉज रिवाइटी लिफ्ट के फेस सिरम मैंने ट्राई किए थे सो फेस सिरम टू गुड आई वुड हाईली रिकमेंड नॉट स्पॉन्सर्ड बट आई हैव यूज दिस प्रोडक्ट सो आई एम जस्ट रिकमेंडिंग टू यू गाइज इफ केस यू आर लुकिंग फॉर सम आई सीरम देन यू कैन गो फॉर दिस वन और एल्स लेट चेक दिस लिपस्टिक वॉच ओके सो फर्स्ट विल चेक न्यूट्रल कलर दैट इज दिस वन सो दिस इज देड नंबर सेवन डबल नाइन मोर टॉप टॉप पे और टॉप वटेवर मैं आपको पहले इसका शेड दिखा देती हूँ सो दिस इज देड फॉर सो लॉन्ग आई वॉज वेटिंग फॉर दिस शेड और लेट्स uh, अप्लाई करने के बाद इसका क्या रिजल्ट है मेरे लिप्स पे ओके okay, सो so, लिप्स पे स्मूथली ग्लाइड हो आपका लिपस्टिक उसके लिए आप अपने लिप्स को मॉइस्चराइज जरूर कर लें मैं आपको विदाउट मेकअप दिखा रही हूँ ये, ये लिपस्टिक के शेड्स ताकि आपको आइडिया लग सके कि विद विदाउट मेकअप आपको ये किस तरह का कलर शो करेगा आपके फेस पे और क्या इसका लुक होगा एवरीथिंग सो यस वैसे मैं नेचुरल लाइट में शूट कर रही हूँ सो अभी धूप थी और अभी धूप जा चुकी है फिर से धूप आ गई देखो

This shade is must-have for bride who is going to be bride or they are bride or they already got married. Uh, so you must definitely have one brighter shade in your collection. So let's move on to swatch. So bright color. you single swatch, I think it's enough. too hot it's too bright color बहुत बोल्ड लिपस्टिक है ये आप मेरे फेस पे देख सकते हो आई थिंक इफ यू डोंट वांट टू डू एनी मेकअप लाइक नो मेकअप लुक करना है तो जस्ट गो फॉर दिस बोल्ड लिपस्टिक लिपस्टिक लगा लो इनफ इनफ आई लव आई लव द वे इट ग्लाइड्स ऑन माय लिप्स आई डोंट फील लाइक आई हैव पुट सम लिपस्टिक्स

To get married and they are looking for like very bright lipstick, bold red color. Then I thought, let's just share with you guys and let's see this liquid matte lipstick whether it works or not. This is the applicator. आई थिंक दिस इज द बेस्ट वन इफ यू डोंट वॉन्ट वेरी बोल्ड रेड कलर देन यू कैन गो फॉर दिस वन दिस इज द मिक्सचर ऑफ पिंक एंड रेड सो या इट्स वेरी सॉफ्ट वेरी लाइट वेट एंड एप्लीकेटर बहुत सॉफ्ट है अप्लाई करते वक्त जरा भी नहीं लगा कि आप कुछ लिपस्टिक अपलाई कर रहे हो एंड इनफैक्ट uh, इसे थोड़ा सा टाइम लग रहा है ड्राई होने में बट आई थिंक वंस इट गेट्स ड्राई इट विल लुक मच बेटर सो येस ड्राई होने के बाद तो बहुत लाइट वेट है एंड आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दिस वन आउट लव द मेबलिन ब्रांड मैंने इससे पहले भी काफी सारे मेकअप वीडियोज किए हैं मेरे चैनल पर और फिलहाल जो मेरा चैनल है अभी फिटनेस के ऊपर मैं फोकस कर रही हूँ बट इन बिटवीन अभी जैसे कि वेडिंग सीजन स्टार्ट हो चुके हैं और मुझे ऐसे कुछ भी ऑप्शंस लगे कि आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए जो सेल में है या फिर आ, जो मुझे पसंद है और एक ब्राइट टू बी अगर कोई है या फिर किसी शादी होने वाली है घर में कोई फंक्शन है और आप कुछ परचेस करना चाहते हैं तो मैं अपने चैनल के जरिए आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो वट ऑल यू लव दिस लिपस्टिक्स लाइक ये लिपस्टिक्स अगर आपको पसंद है इसकी शेड्स आपको पसंद है ये आई सीरम पसंद आई तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जरूर चेक कर लीजिएगा और ऐसे ब्यूटी फैशन रिलेटेड वीडियोस आपको और भी देखने के लिए आप मेरा सेकेंड चैनल जो है उसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं उसमें मैं अपने सारे फैशन ब्यूटी मेकअप रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ सो yeah. okay, so ये पांच चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ सबसे पहले तो इन हैबिट्स को मैं फॉलो करूंगी जिनमें से पहली हैबिट वो है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइस के आप 10 बजे के करीब सो जाइए मॉर्निंग में आप 5 बजे 4 बजे या 6 बजे ऐसे आप उठ जाइए तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं डेली ट्वेंटी फिफ्थ से वैसे तो हमारा डेली सोना जल्दी नहीं होता है ग्यारह बारह बज ही जाता है बट जैसे कि अब मैं ये चैलेंज ले रही हूं तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं ये हैबिट्स को अपनाऊं और मैं रात के दस साढ़े दस तक बेड पे जाऊं एंड मॉर्निंग में आई हैव सेट माई सेल्फ टू अप एट सिक्स ओ क्लॉक यस पहले मैंने सोचा था पांच एक्चुअली पहले मैंने चार सोचा था फिर मैंने सोचा बहुत जल्दी हो जाएगा ये तो मुझसे नहीं होगा फिर मैंने सोचा पाँच बजे फिर मैंने सोचा बहुत जल्दी हो रहा है ये बिकॉज यहाँ का वेदर जो है वो बहुत ठंडा होता है ऑस्ट्रेलिया का यहाँ ठंड पड़ती है और मुझे ठंड में तो और ज्यादा नींद आती है तो मैंने फिर सोचा चलो ठीक है सिक्स ओ तो क्लॉक करते हैं बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट वर्किंग आई एम नॉट डूइंग जॉब आई डोंट हैव किड्स आई एम अलोन विथ माई हजबेंड सो आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई फर्स्ट पहले छह बजे स्टार्ट करते हैं अगर छ बजे सक्सेसफुल हुआ तो पांच बजे से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट हैबिट अर्ली टू बेड अर्ली टू राइस नाउ कम्स टू सेकेंड हैबिट सेकेंड ये कि आपको जब भी मॉर्निंग में आप उठे आप, आपका जो रूटीन है ब्रश शार लेना एंड देन इन सब के बाद आप वार्म वाटर पिए लाइक like, गरम पानी करें और अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप उसमें हल्का नींबू का रस डालकर एक या दो ग्लास पानी आप गरम पीजिए अब गरम मतलब बहुत ज्यादा गरम नहीं पीना है आपको थोड़ा सा यहाँ सेक मिलना चाहिए दाँत से नाउ कम्स टू थर्ड हैबिट थर्ड इज मॉर्निंग मेडिटेशन एंड मॉर्निंग वॉक इंपॉर्टेंट मॉर्निंग मेडिटेशन टेन मिनट्स इन दस मिनट आप मॉर्निंग मेडिटेशन करें मेरी तो आदत है मैं तो मॉर्निंग में जैसे उठती हूँ बेड पे से पांच मिनट तो कम से कम मैं ऑन द स्पॉट बैठे बैठे मेडिटेशन स्टार्ट कर देती हूँ मॉर्निंग में एक घंटा वॉक करो अब एक घंटे का मतलब ये नहीं है कि आप बीस हजार तीस हजार स्टेप करो नहीं अभी स्टार्ट कर रहे हो तो फाइव थाउजेंड स्टेप से स्टार्ट करो सेवन थाउजेंड तक जाओ उसके बाद एंड आप टेन थाउजेंड पे करो सो so, डेली का टेन थाउजेंड स्टेप्स होना चाहिए ऐसे मेरे डॉक्टर्स कहते थे सो so, हमने डेली वो हैबिट स्टार्ट कर दी बट वो डेली नहीं हो पाया सेवेंटी फाइव हार्ट चैलेंज में बट मैं कोशिश करूंगी अब मैं डेली वो करूथ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज वर्कआउट आपको डेली करना है तो वर्कआउट के लिए आप बिल्कुल परेशान मत हो कि कौन सा वर्कआउट करेंगे हम कहा से देखेंगे वैसे तो वीडियोस बहुत सारी हैं यूट्यूब पर और मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेली फैट एक्सरसाइज तो वर्कआउट में मैं आपके साथ बेली फैट जो भी एक्सरसाइज शेयर करूंगी आप उन्हें देखकर डेली हाफ एन आवर कर सकते हो एक घंटा भी कर सकते हो मॉर्निंग में हाफ एन आवर इवनिंग में हाफ एन आवर इस तरह से आप डेली करो बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप बाकी सारी चीजें कर लोगे और एक्सरसाइज नहीं करोगे सो यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनी थिंग सो एवरी थिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर आपको कंसिस्टेंट रहना है तो ही आप अचीव कर पाओगे अपना टारगेट इन uh, केस आपको देखनी है तो आप मेरी 75 फाइव हार्ट चैलेंज की वीडियोस देखिए उसमें मैंने काफी सारी एक्सरसाइजेस शेयर की हैं uh, आप है थर्टी डेज का भी चैलेंज ले सकते हो मेरे साथ साथ स्टार्ट कर सकते हो और इसमें मैं जो भी एक्सरसाइज करूंगी आप मेरे साथ कर सकते हो एंड द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द फिफ्थ वन इज डाइट ऑफकोर्स डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है आप कुछ भी कर लो एक्सरसाइज कर रहे हो मॉर्निंग के सारे रूटीन फॉलो कर रहे हो वॉक कर रहे हो बट आप खाने पीने में तली हुई चीजें खा रहे हो जंक फूड खा रहे हो बाहर का खाना खा रहे हो आप डेली पानी नहीं पी रहे हो जितना पानी पीना चाहिए दो से तीन लीटर पानी डेली पीना चाहिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलती हूँ दो से तीन लीटर मिनिमम बोलती हूँ सो so, पानी पीना और फिर घर का खाना हेल्दी खाना खाना ये सारी चीजें अगर आप नहीं करोगे सो so, बाकी चार चीजें आप कर भी लोगे तो इट विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू आप सो डाइट इज इक्वल इम्पॉर्टेंट आपको तली हुई चीजें नहीं खानी है बहुत ज्यादा आपको मन कर रहा है तो आप वीक में एक बार बनाओ आप घर पे बनाओ और खा सकते हो मेरे 75 फाइव हार्ट चैलेंज मैंने काफी सारी रेसिपीज शेयर की हैं जो मैं घर पे बनाती हूँ और बहुत अच्छी अच्छी वेट लॉस रेसिपीज आएंगी मेरे चैनल पे इस 30 डेज के चैलेंज में सो so, सब्सक्राइब कर लो बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज मिलेगी तो यस गाइस डाइट इज इक्वली इंपॉर्टेंट तो यस डाइट फॉलो करना है आपको प्रॉपर ये पांच चीजें हैं जो मैं फॉलो करने वाली हूं मेरे इस थर्टी डेज के चैलेंज में और अगर आप इन थर्टी डेज के चैलेंज में मेरे साथ जुड़ना चाहते हो मेरे साथ ये चैलेंज लेना चाहते हो स्पेशली अपने बेली फैट के लिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्रिप्शन फ्री है बेल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिल सके और जो भी मेरी दिनचर्या होगी मेरी जो डेली रूटीन होगी जिस दिन मैं जो भी कर रही हूँ वो मैं अगले दिन आपके साथ शेयर करूंगी सो so, मेरा जो थर्टी डेज कंप्लीट होगा वो ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ डिसम्बर कंप्लीट होगा सो इस तरह से मैंने सोचा है ये सारी चीजें करने की तो आई नो एंड आई होप सो दैट आई एम गोइंग टू अचीव माई टारगेट दिस टाइम बेली फैट का और आप लोगों का भी सपोर्ट मुझे मिलेगा आई बिलीव यू ऑल and uh, do subscribe guys so this was my new challenge which i wanted to share with you all so let's begin together this challenge 30 days challenge and uh, we'll directly meet you on my day 1 belly fat challenge thank you so much guys for watching me for listening to me for so long and uh, you all take care of yourself bye bye